हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सर संघ चालक मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने दावा किया है अगले 15 साल में भाजपा फिर से अखंड भारत बनेगा और हम सब अपनी आंख से ये देखेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि हम अहिंसा की बात करेंगे, हालांकि ये बात हम हाथ में डंडा लेकर कहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मन में कोई द्वेष या शत्रुता का भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, ऐसे में हम क्या करें। तो ये बड़ा बयान दिया है मोहन भागवत ने। उनका कहना है सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने दावा किया अगले 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, हम सब अपनी आंख से देखेंगे। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हम अहिंसा की बात करेंगे, हालांकि ये बात हम हाथ में डंडा लेकर कहेंगे। उन्होंने कहा हमारे मन में कोई द्वेष या फिर शत्रुता नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही समझती है, शक्ति को ही मानती है, ऐसे में हम क्या करें। ये बात मोहन भागवत की ओर से कही गई है। रोहित सिकोला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित सिकोला, बड़ा बयान मोहन भागवत की ओर से दिया गया है, क्या इसके मायने निकाले जाएं? मैं बताना चाहूंगा, हरिद्वार दौरे पे थे, एक कार्यक्रम में बंद कमरे के अंदर उन्होंने इस एक्ट का बयान दिया है और ये माना जा रहा है कि आने वाले जो देश में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। इसमें समाज के कई लोग मिलकर कुछ चीजें रखा गया और एक बंद कमेटी के बयान दिया गया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।